और ये है नमाज की टोपी है और ये नमाज पढ़ने का मैट है मुसल्ला। अरे वाह, ग्रेट मुनव्वर, थैंक यू। एंड आई होप आप इस मौके का फायदा उठाएंगे जरूर और अपने आप को सही साबित करेंगे। दिस इज कंगना रनौत एंड दैट वाज माय टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। तो आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा या मॉडर्न स्टैंड अप? हम जो टिकट एडल्ट से ज्यादा वल्गर कहा जाए हाँ सर वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो डिसाइड करने के लिए जनता नहीं, तो आप जिसके लिए कर रहे हैं जी सर, तो समाज में मैं भी आता हूँ ना। हाँ सर, तो डिसाइड कर सकता हूँ। हाँ सर, आप मेरे लिए, आप अपने लिए डिसाइड करिए। आपको नहीं पसंद, आपको वल्गर लगता किसके है लिए कर रहे हैं? सर मेरी बात तो सुनिए, सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ तो मेरी बात सुनिए, जो टिकट खरीद के आता है ना उसमें चीजें रहती है कि आप जो शो पे आ रहे हो आप उसके जिम्मेदार हो, उसकी पूरे लीगली सब कुछ रहता है। और फ्रंट रो में जो आके हमारे शोज में बैठता है ना, दे वॉन्ट अस टू टॉक टू देम, दे ब्रिंग देयर फ्रेंड्स के वी कैन रोस्ट देम, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द कॉमेडी, क्राउड वर्क, इम्प्रूव कॉमेडी। और उस क्राउड वर्क नाम का एक फॉर्मेट है जो काफी चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में भी काफी चलता है। मेरे क्राउड वर्क पे भी 10 मिलियन व्यूज है और उसमें कोई गाली भी नहीं है और उसमें सिर्फ इम्प्रूव कॉमेडी है। जगह पे बनाई गई, एक ही जोक पुराना एक सेट लेके वही घीसा पीटा हम नहीं करते। तो ये फॉर्मेट है सर, सबका अपना अपना तो स्टाइल। आपका मतलब है कि सुनील जी घीसा पीटा कॉमेडी करते हैं? मेरे शो पे सर 18 प्लस का ये रहता है कि 18 प्लस ही ऑडियंस अलाउड है। तो आतंकवादी को भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी अपना, उसका भी अपना ग्रुप होता है, उसके भी अपने फॉलोवर्स होते हैं उसके। लोग ये हर आर्गुमेंट में आतंकवादी कहां से आ जाते बीच में? मेरा कॉमेडी की बात चल रही है, आतंकवादी दे रहे हो, बुराई दे रहे हो। अरे समाज मुनव्वर पे ये आरोप है कि उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाकर उनको ठेस पहुंचाई है। मुनव्वर आज मुंह पे टेप लगा के आए हो, शायद इसीलिए अच्छे लग रहे हो। ये टेप पहले ही लगा लेते तो ये दीदी ना देखना पड़ता, आपको लॉकअप में बुलाना ही नहीं पड़ता। मजाक कर रही हो यार, हम भी तो जोक मार सकते हैं ना। मुझे पता नहीं था यहाँ पे बोलने की आजादी है या नहीं, तो आई वॉज प्रिपेयर, बट आपने अगर बोला है तो मैं बोल ही सकता हूँ आगे। मुनव्वर वैसे तो आप स्टेज पे बहुत परफॉर्म करते हैं जी, है ना, ये तो आपके लिए एक प्लेग्राउंड ही है, लेकिन ये आज पहली बार लॉकअप के स्टेज में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है और पहली बार तो नहीं है लॉकअप, तो आई थिंक नेट प्रैक्टिस कर चुका हूँ। सही सही बताओ यहाँ पे क्यों आए हो, मुझसे पंगा लेने के लिए तो नहीं आए? नहीं नहीं, आपसे पंगा लेने के लिए तो नहीं आया, बट आया हूँ अपनी बात रखने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कि लोग देखते कि इसको कोई देखे ना तो मैं 24/7 दिखूंगा शायद, और आपके होने की वजह से शायद बॉयकॉट भी नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। लेट्स सी। देखो वैसे तो सबको पता है कि तुम कितने पानी में हो। अच्छा हाँ, लेकिन फिर भी आई एम गिविंग यू 60 seconds, ओके, टू इम्प्रेस द ऑडियंस, टू से व्हाट यू वांट टू से, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, सो माय नेम इज मुनव्वर फारूकी, आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन। इन मेरे 120-500 से ज्यादा व्यूज है यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर, बट लोग मुझे सिर्फ इसी नाम से जानते हैं कि मैं जेल गया था। मैं जेल जाने के बाद जब बाहर आया चीजें बहुत बदल गई है, लड़कियां पिकअप लाइन भी इस तरह के यूज करती है कि आर यू बार टेंडर बिकॉज यू ऑलवेज बिहाइंड द बार्स। और जब ओल्ड बालाजी की बात है तो बालाजी टेलीफिल्म्स के जब शो आते थे सास भी कभी बहू थी, तो देखो ये कितना डिफरेंट है वहां से, कि जहां लोग डेली सोप की बात करते थे अब सोप गिराने वाला शो बना रहे। जब मुझे ये शो ऑफर हुआ तो ओल्ड बालाजी ने जब शो के लिए बोला तो मुझे लगा कि शायद ओल्ड बालाजी पे जिस तरह के शोज आते हैं, क्योंकि मैं बचपन में सास भी कभी बहुत ही देखता था और जब जवान हुआ तो ओल्ड बालाजी देखने लगा, तो मुझे लगा इसी तरह के कोई शो के लिए ऑफर क्या होगा, बिकॉज़ आई वाज आल्सो फक्ड दैट टाइम। बट उन्होंने मुझे जैसे ही कॉन्सेप्ट बताया कि ये लॉकअप कॉन्सेप्ट है तो मैं काफी एक्साइटेड हुआ, कि पुलिस वैन से तो मैं जा चुका हूँ एक बार लॉकअप, वैनिटी वैन से कभी नहीं गया, तो आई थिंक ये चांस लेना चाहिए। मैं यहाँ किसी को बुलाना चाहती हूँ जी, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है तो वो भी कॉमेडियन लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग है। अच्छा प्लीज आ जाइए। हाय हाय हाय, हेलो सुनील, हाय हाय, हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? सुनील जी आप क्या एक दूसरे को जानते हैं? इनको जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। अच्छा, अच्छी जी मैं भी जानता हूँ। आप भी जानते हैं जी? टीवी था हमारे घर, टीवी पे देखा ना जी? जी आपका शो टीवी पे देखा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दोनों ही लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन आप दोनों के तरीके बहुत अलग हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? जैसे कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है, दिल दिमाग आंखें
आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पकड़ लेगी आपको, ये जनता हवलदार है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। इन्होंने तो बता दिया इन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा, आप बताएंगे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया? मैंने सड़कों पे सिखाया तो कोई गुरु नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया, बट लेकिन वो दिखता है। पूरा दिखता है, दिखता है, वो तो दिखना भी चाहिए क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे है। नहीं 80% तो नहीं है, 80% है नहीं, अभी तो स्वच्छ भारत है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन उतना नहीं है ना। तो मैं हाँ ये कह रहा था कि अगर साफ सुथरा ही सब कुछ बनने लगा तो शायद ऑल्ट बालाजी, आई एम सॉरी, और आपके हिसाब से मुझे लगता है सेंसर बोर्ड का कोई काम ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि सबको साफ ही देखना है और साफ ही बनाना है, तो सेंसर बोर्ड हटा देते। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर तरह से आजाद हो जाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आपकी बात से समाज को एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अभी जैसे हम लोग अभी शोज करने जाते हैं कई जगह पे, अब वो लोग डरे हुए हैं इन लोगों के कारनामों से, अब डर गए वो लोग, कहते हैं कि भाई सुनील जी ये बात आप आज के शो में कुछ ऐसा तो नहीं करोगे? मैंने कहा कैसा, बोले वैसा, इतने डरे हुए। ये लोग तो क्या करते हैं जब ऑडियंस के सामने जाते हैं तो ऑडियंस का भी अपमान करते हैं, ऑडियंस को तू क्या करता है, तू क्या करता है, तेरा क्या है, तेरा क्या है। मैंने कहा ऑडियंस का तो सम्मान करो, वो टिकट खरीद के आई है, लेकिन बाद में पता चला कि सम्मान तो वही करेगा जिसका सम्मान होगा। अब आई वॉन्ट टू ओपन द स्टेज फॉर मीडिया ट्रायल नाउ, आप प्लीज इन दोनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी प्लीज। मुनव्वर, आप कुछ ही क्षणों पहले कंगना ये कह रहे थे कि इनके 128 कुछ व्यूज आ गए हैं, मिलियन व्यूज होंगे, लाखों व्यूज होंगे, राइट? मुझे लगता है कि शायद आपको जो व्यूज आए हैं इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कॉमेडियन हो और लोगों को हंसाते हो, शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आप सेंसेशनलिज्म यानी गालियों का उपयोग करते हैं। आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट होती है जिसमें गाली होती है रिव्यू के लिए? जाते हो या नहीं जाते? जी जी जाता हूँ। तो आप क्यों जा रहे हो? आपका काम है, हम ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आज यहीं पे ही खत्म करते हैं। और देयर आर टू काइंड ऑफ कॉमेडियंस, एक तो एक कॉमेडियन होते हैं, एक एडल्ट कॉमेडियन होते हैं, सही बात है ना? तो आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा या मॉडर्न स्टैंड अप? हम जो टिकट एडल्ट से ज्यादा वल्गर कहा जाए, हाँ सर वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो डिसाइड करने के लिए जनता है। तो आप जिसके लिए कर रहे हैं जी सर, तो समाज में मैं भी आता हूँ ना, हाँ तो सर तो डिसाइड कर सकता हूँ, हाँ सर आप मेरे लिए, आप अपने लिए डिसाइड करिए, आपको नहीं पसंद आपको वल्गर आप लगता है लिए कर रहे हैं। सर मेरी बात तो सुनिए, सर मेरी बात तो सुनिए, हाँ तो मेरी बात सुनिए, जो टिकट खरीद के आता है ना उसमें चीजें रहती है कि आप जो शो पे आ रहे हो आप उसके जिम्मेदार हो, उसकी पूरे लीगली सब कुछ रहता है, और फ्रंट रो में जो आगे हमारे शोज में बैठता है ना, दे वॉन्ट अस टू टॉक टू देम, दे ब्रिंग देयर फ्रेंड्स के वी कैन रोस्ट देम, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द कॉमेडी, क्राउड वर्क, इम्प्रूव कॉमेडी, और उस क्राउड वर्क नाम का एक फॉर्मेट है जो काफी चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में भी काफी चलता है, मेरे क्राउड वर्क पे भी 10 मिलियन व्यूज है और उसमें कोई गाली भी नहीं है और उसमें सिर्फ इम्प्रूव कॉमेडी है, जगह पे बनाई गई, एक ही जोक पुराना एक सेट लेके वही घीसा पीटा हम नहीं करते, तो ये फॉर्मेट है सर, सबका अपना अपना तो स्टाइल है। मतलब है कि सुनील जी घीसा पीटा कॉमेडी करते हैं? मेरे शो पे सर 18 प्लस का ये रहता है कि 18 प्लस ही ऑडियंस अलाउड है। तो आतंकवादी को भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी अपना उसका भी अपना ग्रुप होता है, उसके भी अपने फॉलोवर्स होते हैं, उसके लोग हर आर्गुमेंट में आतंकवादी कैसे आ जाते बीच में? मेरा कॉमेडी की बात चल रही है, आतंकवादी दे रहे हो, बुराई दे रहे हो, अरे समाज। ओके आई थिंक ये टॉपिक जो है लाइक आई सेड यहाँ पे वही होगा, ये मेरी जेल है जो मैं कहूंगी, एंड मैं चाहती हूँ कि भूपेंद्र जी अब एक प्रश्न पूछे। कहा जाता है डॉग बाइट्स मैन नो न्यूज, मैन बाइट्स डॉग बिग न्यूज, सडनली हर आदमी देखने लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब तक कोई इंसल्टेड नहीं होगा क्या तब तक कॉमेडी नहीं होती है? क्या आज की डेट में मशहूर कॉमेडी का क्या ये सिस्टम है क्या? 10 साल पहले भी ये सब होता था, 10 साल पहले भी इस तरह के जोक बनते थे, अगर ट्विटर और ओपिनियन उस वक्त उतने स्ट्रांग होते ना तो ये लोग भी कहीं ना कहीं फंसे होते उस वक्त, अगर उस वक्त भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला ही होगा जो प्रॉब्लमेटिक हो गया, औरत को मोटी बोल दिया होगा, काली बोल दिया होगा, जो कि तब फनी लगता था, बट अभी आ जाओगे तो लेफ्ट विंग तुम्हारे को भगा देगा। आप अपने आप को कॉमेडी का किंग कहते हैं, तो आपको हक है कि आप कंगना जी के भी खिलाफ बोलें, आपको हक है आप हमारे भी खिलाफ बोलें, लेकिन हम अगर कुछ बोलें कुछ तो आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे असॉल्ट है, तो बड़ा विरोधाभास वाली बात है। सर मैंने आज तक ऐसे नहीं कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है और आप लोग मेरे पे इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हो, मैंने आज तक नहीं बोला है। जिन्होंने मुझ पर केस करा उनका भी नाम मैंने कभी नहीं लिया। तो पहली बात ये कि बिल्कुल एक लॉ है, अगर आपको कुछ ऑफेंड करती है तो इसके लिए लॉ है, आप जाइए कोर्ट में, ये वो, आप किसी को मारने की धमकी मत दीजिए ईमेल पे, आप मेरे को धमकियां मत दीजिए मेल पे, कमेंट में, सेक्शन में, इसमें उसमें, मेरे शोज कैंसिल मत कराइए ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कि तेरा सेट हम जला देंगे, तेरा ऑडिटोरियम जला देंगे,
उससे प्रॉब्लम है सर, FIR से प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपकी कॉन्वर्सेशन में इतनी बारी कि इतने सारे लाइक्स है, इतने सारे ये है, आपका मकसद क्या है? कॉमेडी से चेंज करना है कुछ या नहीं, सिर्फ नहीं, लाइक्स? नहीं नहीं, मुझे कॉमेडी से कुछ चेंज नहीं करना है। कलाकार क्रांति नहीं ला पाया आज तक, हिस्ट्री उठा के देख लो। मुझे सिर्फ लोगों को हंसाना। अरे 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 जी, क्या कहा आपने? कलाकार क्रांति नहीं ला पाया। मैं मेरे दिमाग में, अगर यहाँ पे सजाए मौत होती तो शायद इनको दे दी जाती। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, क्रांति कलाकार क्रांति ही लाते हैं। कला का मकसद ही ये होता है, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, चाहे वो इक्वल पे हो, चाहे वो फाइट अगेंस्ट नेपोटिज्म हो, या इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो नेशनलिज्म हो, कलाकारों पे ही ये दायित्व होता है कि वो क्रांति लाएं। वेरी गुड, आपका डेफिनेशन अलग है क्रांति का शायद। टोटल में बात यह है कंगना जी, मुझे सिर्फ यही कहना है कि इन्हीं पर क्यों केस होते हैं? 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने भी किया, मैंने बच्चन साहब के सामने भी किया, उन्हीं की नकल की, उन्हीं की बातें की, मुझे अप्रिशिएशन मिला, तालियां मिली, इनको चल क्यों मिल जाती है? अमिताभ बच्चन सर के भक्त नहीं देना इसलिए। भक्त ही नहीं है, आपके मन में कहीं ना कहीं इतना स्वार्थ भरा हुआ है कि बाहर में जाए जनता अपना काम बनता, मैं गाली गलौज करके सिर्फ व्यूज ले लूं, तालियां ले लूं, इसका समाज में क्या असर पड़ रहा है? फिर सफाई में क्या करते हो तुम लोग? अरे सब तो देखते, कोई नहीं देखता भाई। आपके परिवार को मैं हंसा सकता हूँ, मेरे परिवार को तुम हंसा नहीं सकते, और तुम में से किसी की औकात नहीं हंसाने की। तुम लोग बस सर औकात की बात नहीं होती है। औकात तो सर मैंने शब्द सवाल किया। जी जी जी, आप बड़े हो तो मैं सामने ओवर यूज नहीं कर सकता। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए है ही नहीं। जी जी, मैं वही जगह मैं उनको हंसाना रिफर करता हूँ जो टिकट खरीद का है। अभी घर जाके नहीं हंसा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मच। थैंक यू। मुनव्वर, आपने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन हमने जो सुनना था हमने सुन लिया, और बाकी जो नहीं सुनना था उसे इग्नोर कर दिया। और आपको 10 हफ्ते की सजा सुनाई जाती है लॉकअप में, लेकिन ये सिर्फ सजा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है आपको अपनी बात दुनिया के सामने रखने का, अपना पक्ष रखने का। और आप एज ए हीरो इमर्ज होंगे या एज ए विलन, वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं और कोई नहीं। वेरी नाइस सूटकेस, क्या मैं रख लूं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बता रही हूं आपको, मैं ये रखने वाली हूं, क्योंकि आप लॉकअप का टिकट कटवा के जा रहे हैं, कहीं यूरो ट्रिप पे तो नहीं जा रहे ना? हाँ, राइट। और मेरे लॉकअप में आप सिर्फ 3 चीजें लेके जा सकते हैं, और बाकी सब मैं रख लूंगी। इसमें से मैं सिर्फ 3 चीजें निकाल सकता हूँ? तो आप बताएंगे आपने 3 चीजें क्या चूज की है? पहले तो एक टी शर्ट है, द रीजन फेवरेट टी शर्ट है, कलर अच्छा लगता है, और ये वही टी शर्ट है जो मैंने एक ऑडिटोरियम में पहना था, 3 घंटे परफॉर्म करने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, इंक्लूडिंग फैमिली ऑडियंस।